कृष्ण के प्रति पति भाव हो और मृत्यु के बाद दिव्य द्वारिका लोक में वास मिले तो वो व्यक्ति क्या वहां से वापिस मृत्यु लोक आकर भक्ति करके गोलोक धाम जा सकता है? राधा सुन जी, अब क्योंकि इन्होंने सुन रखा है कि यदि पति का भाव करेंगे कृष्ण के प्रति तो द्वारिका का वास मिलेगा, दिव्य द्वारिका जो है वहां का वास मिलेगा और गोलोक का नहीं और वृंदावन का तो बिल्कुल भी नहीं। मीरा भी देखो कृष्ण के पति पति भाव रखती थी, इसलिए उससे राधा रानी ने उनको गोलोक धाम द्वारिका कहा कि वहां जाओ, यहाँ तो कृष्ण किसी के पति नहीं, यहाँ तो प्रीतम है और यहाँ का तो सखी भाव है, अलग ही भाव है, पति भाव तो यहाँ है ही नहीं, ये पति भाव की मैचिंग तो आपकी द्वारिका से हो रही है, जाइए द्वारिका। फिर मीरा बहुत पछताई कि मैंने गलत किया, मैं नहीं अब पत्नी बनूंगी कृष्ण की। तो उस समय राधा रानी कहती है कि नहीं, पहली जो आपकी इच्छा, भले ही अब इस निकुंज में आकर के यहाँ की लीला देख करके भले ही अब आपका भाव नहीं रहा पति वाला, लेकिन एक नियम है, पहले वाली इच्छा साधन काल में जो इच्छा रहती है वो पहले पूरी होती है और उसके बाद जब उसको ज्ञान होता है साधन काल और सिद्धि अवस्था में कि तो मैंने गलत मांगा, मुझको तो ये मांगना चाहिए था, फिर वो वस्तु बाद में मिलेगी। जैसे ध्रुव भक्त किस लिए तपस्या करने गया था, साधना किस लिए कर रहा था, पिता की गोद में बैठूं राज्य मिले वैभव मिले, इसलिए। अब भगवान सामने आके सिद्ध हो गए, अब सिद्ध होते बोले नहीं चाहिए, भगवान ने कहा नहीं मैं दूंगा, क्यों? क्योंकि साधन काल में तुम्हारे मन की जो इच्छा थी पहले वो पूरी होगी, राज्य भोग लो उसके बाद फिर तुमको मेरा धाम मिले, मेरी गोद फिर मिले। इसी प्रकार आपने यही उसी बात को लेकर प्रश्न किया कि पति भाव है तब तो मैं फिर द्वारिका जाऊंगी यदि सिद्ध होगी पति भाव में, फिर गोलोक धाम कैसे जाऊंगी, क्या फिर द्वारिका में पहले पत्नी बनूंगी फिर वहां से फिर वापस मृत्यु लोक में आऊंगी फिर कृष्ण की भक्ति करूंगी निकुंज भाव से फिर गोलोक वृंदावन जाऊंगी? अब ये ऐसा पूछ रहे हैं, प्रश्न आपको डिटेल में समझाया जी महाशय, अब इसका उत्तर दे। ये प्रश्न का उत्तर है मीरा के चरित्र से इसका उत्तर मिल जाएगा। वो तो दे दिया मैंने, सूक्ष्म से बता ही दिया आपने, लेकिन आगे बताए फिर क्या होगा। जी जी, उसमें ये है महाश्री, सखियों ने बताया है कि जैसे कोई भी लीला होती है तो उनको फिर दूसरे ब्रह्मांड में जो लीला चल रही है वर्तमान में वहां जाती है। तो आपका यदि पति भाव है तो आप शरीर छोड़ के वहां उस ब्रह्मांड में जाएंगे जहां द्वारिका की लीला चल रही वर्तमान है जी, वहां रुक्मणी सत्यभामा आदि कुछ भी आप बनेंगे जी, कुछ भी बनेंगे पति रूप में प्राप्त प्राप्त होंगे, फिर ठाकुर जी का सानिध्य मिलेगा आपको, 100 साल का सानिध्य मिलेगा ठाकुर जी को, फिर उसके बाद जब ठाकुर जी परम धाम को जाएंगे लीला संवरण कर लेंगे, फिर अपने धाम में जब जाएंगे तो फिर अर्जुन लेके आ जाएगा और, जी और कालिंदी इस रहस्य को बताएगी आपको, संडिल ऋषि जी आपको यदि सखी भाव की उपासना करनी होगी आपके अंदर में संस्कार है जिनके अंदर में, तो उनको कालिंदी का सत्संग मिलेगा, वो बताएंगे मैं हमेशा राधा रानी की दासी हूँ और उनकी दासता प्राप्त है और उनको नित्य मिलन मेरा होता है, फिर अर्जुन उनको लेकर आएंगे और उस रहस्य द्वारिका से उस ब्रह्मांड की बात जी जी उस ब्रह्मांड की बात है और फिर वहां आगे सखियों में सम्मिलित हो जाएंगे। एक बार उद्धव जी आदि बना करके जी कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन गोपी सखी भावनी नहीं, वो होगा बाद में जी, वो उद्धव जी यहाँ लीला हुई जी, ये हर ब्रह्मांड में इसी प्रकार की लीला होती जी। तो आप तो श्री कृष्ण को कुछ भी मानिए, वो तो हर रूप में मिलेंगे। अब आप दो दो भाव कर रहे हैं कि मैं गोलोक धाम भी चली जाऊं और पत्नी भी बन जाऊं, दोनों होंगे क्योंकि आप दोनों चाह रहे हैं, दोनों होंगे, घाटा नहीं है, श्री कृष्ण को पति मानने में भी कोई घाटा नहीं है। हाँ ठीक है, आपके मन में निकुंज रस प्राप्त करने का भाव है वो भी होगा क्योंकि आपके अंदर संस्कार पड़ चुका निकुंज का और वो भी संस्कार छूट नहीं रहा पत्नी वाला, तो कोई नहीं दोनों ही ठाकुर जी पूरे करेंगे। मीरा का चरित्र पढ़ी, वहां भी ठाकुर जी ने दोनों पूरे किए, मीरा पहले द्वारिका गई, वहां दिव्य उस ब्रह्मांड की दिव्य द्वारिका में चली गई और वहां पर कृष्ण की पत्नी बनी और 100 साल श्री कृष्ण के साथ रमण किया, उसके बाद फिर श्री कृष्ण परमधाम जाते हैं और अर्जुन उनको लेकर के ब्रज में आते हैं और उसके बाद फिर सांडिल्य और कालिंदी का मिलन होता है और फिर उद्धव जी प्रकट होकर उनको सखी भाव में प्रतिष्ठित कर देते हैं और जिनका ही अधिकार नहीं वो भीलन लूटी गोपी का, उनको भील लूट ले जाते हैं और भील कौन होते हैं, कोई और नहीं होते, ठाकुर जी से होते हैं। अर्जुन का अभिमान तोड़ना और जिनको ब्रज का मन संस्कार नहीं है उनको फिर जिस भी लोक से जो आत्मा मन दिव्य आई थी, कोई महालक्ष्मी वैकुंठ से आई थी
है ना, महा सरस्वती मित्र वृंदा के रूप में गंगा जी जहाँ जहाँ आती वहाँ वहाँ चली जाती हैं। और जो सखी भाव के माने जिनके अंदर पूर्व संस्कार थे उनको अर्जुन ब्रज में लाता है, यहाँ उद्धव की कालिंदी की और सांडिल्य ऋषि की कृपा से फिर वो अपने सखी भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार ये चलता है।